सो गाइस हम लोग ऊपर आ गए कुबानी तोड़ने के लिए, बाबा से इजाज़त ले ली थी हमने। बाबा इजाज़त है ना। हरी प्याज उगी हुई है और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इस हरी प्याज को तोड़ लूँ, क्योंकि अगर मैंने इस हरी प्याज को तोड़ ली ना तो मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। हाँ, इसको इतना पैक क्यों किया हुआ है? और इसके अंदर ये देखो कुछ नज़र आ रहा है मुझे, ये क्या है? हाँ सर, टमाटर है, टमाटर। मेरी अब हालत मेरी हालत बैंड हो गई, सॉरी गाइस। क्या व्यू है शंगरीला लेक का यार, बेहतरीन। मैं तो कहता हूँ कि बंदा सब चीज़ें बेचे और एक यहाँ घर ले ले। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कल हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, तो इस कर्दू में ना ज़्यादा घूमे ना ज़्यादा विजिट कर पाए, तो आज सुबह के हो रहे हैं 7 और हम जा रहे हैं इस कर्दू के कुछ पॉइंट्स पर उनको कवर करने के लिए, क्योंकि आज है 9 मुहर्रम और हमें जल्दी से आना भी है, ताकि क्यों ना यहाँ पे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अहले तशरीफ भी रहते हैं, तो हमें कहीं रास्ते ना बंद हो जाए, तो इस वजह से हमें जल्दी से अपनी जगह पर होटल पर भी आना है। और मैं आपको दिखाता हूँ होटल का व्यू, तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, तो चलें स्टे ट्यून्ड। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं आई लव स्कर्दू, और यहाँ पे कुछ सेल्फीज बनाएंगे और फिर अपने पॉइंट्स पे जाएंगे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं शिगरलैंड, और शिगरलैंड जो है इस कर्दू का हमने अभी पहला पॉइंट कवर किया है, और आप देख सकते हैं कि जो है दरिया कितना बड़ा है यहाँ पे, और जो है काफ़ी बहुत खूबसूरत है। और जो इसके पीछे जो आपको वाइट वाइट सा नज़र आ रहा होगा वो कोल्ड डेजर्ट है, और बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ कितना खूबसूरत है। यहाँ जाती है जीप, लेकिन अभी हो सकता है जीप आज बंद हो या खुली हो, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे जीप को भी। और बाकी जो है यहाँ देखो एक वो मार्किंग हुई है फिट के हिसाब से, कि जो रिवर है इसकी डेप्थ जो है वो 21 फिट है अभी इस वक्त ऑलमोस्ट, तो ये लिटरली मैं ये समझ रहा था कि जो इसकी जो है इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी। नहीं काशन, ये पूरा काफ़ी गहरा है, ये मार्किंग हुई है फिट के हिसाब से। बिल्कुल, अभी तक पानी जो है 21 फिट पे क्या है आप देख सकते हैं, ये 29 फिट तक इसकी मार्किंग हुई है और ये 21 फिट तक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 फिट फिर भी नीचे है अभी और मज़ीद, तो काफ़ी हाइट में भी है ये, ऐसी बात नहीं है। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट पे, जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग अभी डेजर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे कोई जीप तो नहीं है लेकिन हमें पैदल चलना पड़ रहा है, और फिदा चल रहा है सबसे आगे। और आप देख सकते हैं बादलों की खूबसूरती, क्या क्लाउड्स जो है माउंटेन के ऊपर बिल्कुल आए हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे भी बिल्कुल करीब में बादल को छू सकता हूँ, लेकिन जब जैसे जैसे करीब जाते हैं बादल और ऊपर जाता है, जैसे जैसे करीब जाते हैं बादल और ऊपर जाता है, तो बस आप कितना खूबसूरत डेजर्ट है आप देख सकते हैं। वो अगर मैं आपको कवर करवाऊँ वो एरिया जो सामने देखें आप, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से डेजर्ट के बिल्कुल पहाड़ात बने हुए हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि अल्लाह पाक की कितनी शान है कि एक तरफ इतनी ग्रीनरी है, इतनी हरियाली है, और दूसरी तरफ बिल्कुल डेजर्ट है, और मतलब एक तरफ इतनी ग्रीनरी, एक तरफ डेजर्ट, और फिर पहाड़, और फिर उसके बाद क्लाउड्स। व्हाट अ कॉम्बो यार, ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ लो। चलिए क्या है ये, है क्या कुबानी है? अब एक गिर जाएगी, रुक जाओ रुक जाओ, वो देखो नीचे भी तो गिरी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो गाइस हमें मिली है कुबानी का दरख्त, और यहाँ पे काफ़ी दरख्त थे, तो फिदा का काफ़ी दिल कर रहा था और कुबानी तोड़ तोड़ के ये बंदा लेकर आ रहा है चुरा के। खा लेता हूँ मैं तो उसको, बगैर धोए खा लेते हैं यार। अबे सो गाइस हम लोग ऊपर आ गए कुबानी तोड़ने के लिए, बाबा से इजाज़त ले ली थी हमने। बाबा इजाज़त है ना, तो और अब हम भर के लेके जाएंगे चॉपर। सो गाइज हम लोग हो चुके हैं अपने मिशन में कामयाब। वाओ क्या बेहतरीन है यार। सो गाइज आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त ये फिश फार्म है यहाँ के ऊपर, मंटो का वाटरफॉल के नीचे, और जो है ये प्राइवेट फिश फार्म है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त मछलियाँ हैं। वाओ नाइस यार, क्या टेक्निक्स हैं।
बहुत भूख लगी हुई है फिजा, इतने ज्यादा पॉइंट्स को तुमने कवर करवा दिया आज के दिन ही, और बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मंगवा लो खाना। चलो इतने लाइक पैदल चलने के बाद अब खाने का मजा भी आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो गाइस आज हम लोगों ने काफी जो है स्कर्दू के पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोट के अंदर भी के कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। बाकी कचूरा लेक हो गया और शंग्रीला जी, और शंग्रीला लेक हो गया और सोक वैली, ये अभी तीन चीज़ों को हमें कवर करना है और हम जाना है ऊपर टॉप के ऊपर। और जो है मेरा जो फ्रेंड अरीब है वो जो है मूवी देख रहा है, क्योंकि उसको ट्रैवल करना इतना पसंद नहीं है, बस वो चाहता है कि कोई भी पॉइंट हो बस आ जाए। ऐसा ही है अरीब, अरीब आप चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट हो बस वो फ़ौरन सामने आ जाए, ट्रैवल ना करना पड़े। इतना ट्रैवल कर लिया है, इतना ट्रैवल कर लिया है कि बंदा इस्लामाबाद टू कराची चले जाएगा। ये ओ सेब, ये सेब है, हाँ, सेब के दर तोड़ सकते हैं इसको? नहीं नहीं अंदर नहीं जा सकते, लाइक ये बैरियर है सो यू कांट। वाओ यार ब्यूटी है यार, नेचर है यार। खैर ये तो इन लोगों ने खुद ने ही बहुत खूबसूरत बनाई है, लेकिन कितनी खूबसूरत है यार ये ब्यूटी। फिदा एक बात बताओ, ये इतनी एक्सपेंसिव है लेकिन मुझे ये बात बताओ, ये तो इन लोगों ने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, सही है, लेकिन जब बारिश होती होगी तो पहाड़ों से तो ऊपर से नीचे पानी आता होगा? बिल्कुल आता है, ये आपको चारों तरफ से आप घुमाओ कैमरा तो ये दिखा सको, तो ये तो पूरी तरह से पहाड़ है और सबका पानी जो है वो नीचे ही आता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो बिल्कुल जो ये तो आर्टिफिशियल बनी हुई है ना, अब ये ऊपर से जो भी पानी आएगा और इसमें से इतना डिस्टेंस थोड़ी है तो ये तो यहाँ पे भी आ सकता है। हाँ आ तो जाता है, वैसे बढ़ जाता है ये, है ना, बारिश हो जाती है। तो ये कौन सी इतनी बहुत, लेकिन खूबसूरत बहुत है, नो डाउट। सुकून कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत। कुछ पूछ रहे, क्या पूछ, क्या पूछ रहे भाई, पूछो दोबारा, पूछो, जा थोड़ा दो, वो कह रहा है चला दो, चला दो। आप अपनी सीट पे बैठ जाए, ऐसे ना उड़ उड़ लो ऊपर, हां उधर उसकी सीट देखो, जल्दी से सीट पे बैठ जाओ, बटन दबा दो फिर चलना शुरू हो जाएगा, सही है, आप रेडी हो? 3 2 1 गो। एनिमल्स आपको थोड़ा सा पैदल और चलना पड़ेगा, चलो चलो जल्दी चलो, ये यहाँ बता रहा था मुझे, ऐसा लग रहा है कहाँ। सो गाइस अब एनिमल्स देखते हैं यहाँ पे, बताए हैं कि भाई देखते हैं भाई कौन कौन से जानवर हैं, पता तो चले। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार, ये कहीं रियल एनिमल की बात तो नहीं है, जंगल मुझे लग रहा है। इन लोगों ने जो नीचे जो बोला है ना, जो बोर्ड पे लिखा हुआ था कि एनिमल्स वगैरह भी ऊपर, मुझे लग रहा है यहाँ पे दिख गए तो दिख गए, और इतनी मुश्किलों से ऊपर चढ़कर भी आ गए, बहुत बुरी हालत हो गई है, ट्रैकिंग बहुत हो गई यार। इस वाली दो खिड़कियों में इसमें एनिमल है, ठीक है, कहाँ बता रहे, नीचे इस वाले में जाओ, इसमें एनिमल है, चलो देर दूर से जो ऊपर से जो देखने के लिए आए हैं ना हम, जो ऊपर वो हमें ये दिखा है मारखोर, और मारखोर तो यहाँ तो वैसे भी बहुत होते हैं जंगलात में, जबकि मैंने तो हिरन भी देखी है और मारखोर भी एक देखा है, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा। और इन लोगों ने इस बेचारे को यहीं से ही पहाड़ से ही पकड़ के कैद कर लिया और अंदर बंद कर दिया। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, पकड़ने आ रहा हूँ। कहाँ पे, हिल टॉप नजर आएगा वहां से, सही है, और हेलीपैड नजर आएगा। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी, इसको इतना पैक क्यों किया हुआ है, और इसके अंदर ये देखो कुछ नजर आ रहा है मुझे, ये क्या है, हाँ सर टमाटर है, टमाटर लेकिन पैक करने की वजह क्या हो सकती है, वजह क्या है, पैक क्यों किया हुआ है, इसको रिजर्व करने के लिए, कुछ सनलाइट वगैरह लेने के लिए, हाँ पूरा स्काईलाइट बनाया हुआ है। जबरदस्त यार, क्या जबरदस्त एरिया कवर करके बनाया है इन लोगों ने, बहुत प्यारा। हरी प्याज उगी हुई है और मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इस हरी प्याज को तोड़ लूँ, क्योंकि अगर मैंने इस हरी प्याज को तोड़ ली ना तो मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। हेलीपैड वाली जगह पे आ गए, ओके
यार व्यू तो वैसे बहुत जबरदस्त आ रहा है, हम और ऊपर जाएंगे कसम, लेकिन मेरी इतनी ऊपर चढ़ने की अब हिम्मत नहीं है लिटरली। आपको ये पूरा सिंगल लेक पूरा ऊपर से नजर आएगा? नहीं 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 नहीं, अच्छा पूरा ऊपर तक नजर आएगा। अबे मैं मजीद और ऊपर नहीं जा सकता, बस ये दिख रहा है व्यू काफी है। ये दरख्त खत्म हो जा रहा है वहां तक है व्यू, मैं मजीद नहीं जा सकता और ऊपर यार। चढ़ने के मारे तो अजीब साहब आए नहीं, क्योंकि वो थका हुआ था और उसने बोला मैं नीचे ही सही हूँ, बस यहीं से देख लेते हैं। अब थोड़ी बहुत तो दिख रही है ना, सामने चल लेते थोड़ा। कहाँ? नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी अब हालत मेरी हालत बैंड हो गई, सॉरी गाइस, मैं गिरते गिरते बच गया। फाइनली फाइनली हम लोग आ चुके हैं टॉप पे, बिल्कुल शंग्रीला का व्यू देखने के लिए, और बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि बहुत ऊपर था और बहुत हाइट में था। आप व्यू चेक करें बस, क्या व्यू है शंग्रीला लेक का यार, बेहतरीन। मैं तो कहता हूँ कि बंदा सब चीज़ें बेचे और एक यहाँ घर ले ले। हाँ मैं तो कुछ नहीं सोचता, पास दूँ यहाँ से नीचे आवाज नहीं जाएगी, होगा कार पार्किंग में होगा। अरे चलने कोशिश करता हूँ। अरे अब तो सुन लेगा, अब तो सुन लेगा। अरे 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 यार, मतलब नो डाउट वाकई में ऊपर आना तो खैर बहुत मुश्किल था, मगर जो व्यू दिखा है ना उसने सब कुछ कवर कर दिया। बहुत देर हो चुकी है और अब चलते हैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं दोबारा से नारायण के साइड, क्योंकि आज हो गया है 9 मुहर्रम और 9 मुहर्रम वाले दिन तो इस कर्दू में कुछ कुछ चीज़ें खुली हुई थी, जो कि हमने कुछ पॉइंट्स जितने थे वो कवर कर लिए, और जो पॉइंट्स एक दो हमें बंद मिले वो हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि 10 मुहर्रम को यहाँ पे बंद होता है। तो हम चाह रहे हैं कि हम आज ही नारायण के लिए निकल जाएँ ताकि हमारा जो डे है वो मिस ना हो, क्योंकि जो है कल 10 मुहर्रम को आप होटल से बाहर नहीं मिल सकते, नहीं निकल सकते। सो चलें, चल के नारायण पे चलते हैं। आपको लास्ट में दिखाता हूँ डक फार्म और कितनी सारी माशाल्लाह से डक हैं, और ये देखें कैसी लाइन से एक साथ घूम रही है यार, कितनी खूबसूरत है, ज़बरदस्त। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन सी जगह को कवर कर लिया है अब तक और कौन कौन सी जगह हमें कवर करनी है। तो हमने मंटू का वाटरफॉल को कवर कर लिया है और भाशु वैली कवर कर लिया है, और जो है केटू को कवर कर लिया है हम लोगों ने, और हुंजा तो ये तो अदर साइड ही है, हुंजा को तो हुंजा एप्टाबाद लेक और शंग्रीला रिजॉर्ट एंड शंग्रीला ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। बाकी जो है कल्पना डेजर्ट में अभी हमें जाना है और सरफरंगा डेजर्ट में हम लोगों ने घूम लिया है, और शिगार फोर्ट पे अभी जा रहे हैं हम। तो अगर मैं व्लॉग बनाना मेरे पर हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि यहाँ से है ट्रैवल कम से कम जो है 12 घंटे का है ट्रैवल नारायण पहुँचने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।